हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज 3.2 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। यहाँ पे थ्री टाइप होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 etc. ठीक है। सेकंड टाइप होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, यानी कि डेसिमल में होल नंबर से मल्टीप्लाई। और थर्ड टाइप इसका होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। थर्ड टाइप होता है इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। ठीक है, तो इन तीन टाइप से हम जो है मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे डेसिमल में। तो फर्स्ट टाइप इसका होता है मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 etc. ठीक है, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल ये पार्ट ले रहे हैं, सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 1000। इसी प्रकार से कोई भी आप जो है डिजिट ले सकते हो। तो जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को, यानी कि डेसिमल को 10 से 100 से या 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है, ये पॉइंट यदि यहाँ पे 10 है तो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे, 20 है तो इस डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे, और यदि 30 है तो डेसिमल पॉइंट को 3 रिप्लेस के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से राइट में 3 प्लेस के बाद शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है 19.56 × 10। तो इसे हम लिखेंगे 195.6, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 प्लेस राइट में पहुंच जाएगा, 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2.685 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेस के बाद, तो ये डिजिट बन जाएगी, ये नंबर बन जाएगा 268.5। अब यहाँ पर ये है 91.2608 × 1000, तो यहाँ पे 30 है तो इसको राइट में 3 प्लेस के बाद शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो 91260.8 ये इसका आंसर। सिमिलरली इसको भी सोल्व करेंगे, 0.81251 मल्टीप्लाई 10,000, तो 10,000 में यहाँ 40 है तो इसको डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेस के बाद जो है शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो ये आएगा 5 और 1 के मिडल। ठीक है, ये हो जाएगा 8125.5, ये इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट टाइप की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में इस टाइप से होती है कि हम किसी भी डेसिमल में हम 10, 100, 1000 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें केवल डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं। सेकंड टाइप की इसमें मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल, यानी कि डेसिमल में एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमें मल्टीप्लाई करनी है 9.618 × 9, यानी कि इस डेसिमल में
हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 वोल नंबर है और 9.618 ये डेसिमल है, ठीक है। तो ये डेसिमल है और ये वोल नंबर, तो डेसिमल में वोल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो सोल्व करेंगे इसको, तो देखो इसको आप ऐसे सोल्व करोगे, 9.618 मल्टीप्लाई 9.8 = 72 कैरी 7, 9 × 9 = 7 = 16 कैरी हो जाएंगे 1, 9 × 5 = 54, 54 + 1 = 55 ठीक है, और कैरी हो जाएंगे 5, और 81 और 5 = 86 और पॉइंट 3 रिप्लेस के बाद पॉइंट लेगा 1, 2, 3 यानी कि इसमें 3 प्लेस डेसिमल के हैं, डेसिमल प्लेस जो है वो 3 है, 1, 2, 3 तो 3 के रिप्लेस के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 1, 2, 3 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो हमें मल्टीप्लाई करनी है 0.784 को हमें मल्टीप्लाई करनी है मान लीजिए 23 से, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, 0.784 मल्टीप्लाई 23 यानी कि 0.784 जो है ये डेसिमल है और ये वोल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 = 12 कैरी 1, 3 × 8 = 24 और 1 कैरी क्या है 25 कैरी 2, 3 × 7 = 21 21 और 2 = 23 यहां 0 रखेंगे, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16 कैरी 1, 2 × 7 = 14 14 और 1 कैरी का है 15 ऐड करेंगे 2, 13 × 3 कैरी 1 0, 1 कैरी हो जाएगा और 8 और 1 और कितने रिप्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3 3 के बाद पॉइंट है तो 1, 2, 3 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, आफ्टर दैट 3 पॉइंट दैट्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई यानी कि आपने दो मल्टीप्लाई यहां तक सीख ली, जब हम डेसिमल को 10, 100, 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें केवल जो उसका डेसिमल पॉइंट होगा उसको राइट में शिफ्ट करते रहेंगे, जितनी जीरो उतने रिप्लेस के बाद। सेकंड मल्टीप्लाई किसमें होती है कि जब पहला डेसिमल नंबर होगा और उसको वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मतलब डेसिमल जो यहाँ पर प्लेस है डेसिमल प्लेस उनको गिन करके उतने के बाद ही हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। थर्ड टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल यानी कि जब पहले भी डेसिमल होगा और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी डेसिमल होगा, ठीक है, यानी कि दोनों ही जो नंबर होंगे वे डेसिमल। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें मल्टीप्लाई करनी है 32.138 में हम मल्टीप्लाई करनी है 4.5 तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जो ये पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ भी जो पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को हटा देंगे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई हम इस प्रकार से करेंगे 32.138 यानी कि इसको कंप्लीट लिख लेंगे पॉइंट नहीं लगेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 45 सबसे पहले पॉइंट नहीं लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। तो यहां सोल्व करेंगे 5 × 8 = 40 ठीक है कैरी 4 और 5 × 3 = 15 और 4 = 19 कैरी 1 5 × 5 = 1 = 6 और 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 15 और 1 =
60, 0 लगाएंगे, 0 पुट करेंगे, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 कैरी के हैं 15, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ऐड कर लेंगे 0 1 2 6 4 अभी आएगा 4 और 1, ठीक है, ये इनकी मल्टीप्लाई होगा। बट यहाँ पर पॉइंट है, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट को काउंट करेंगे, इनकी काउंटिंग कर लेंगे पॉइंट की, ठीक है। ये कितने प्लेस जो है इसमें डेसिमल प्लेस है, 1 2 3, 3 प्लेस डेसिमल प्लेस यहाँ पर है और 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है। ये डेसिमल प्लेस है जो पॉइंट के राइट में लिखा गया है, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेस और 1, 3 और 1 4, यानी कि 4 प्लेस के हम जो है इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा होगा यहाँ पे लिखेंगे 32.138 मल्टीप्लाई 4.5 इक्वल हो जाएगा 1446210 और 3 और 1 4 1 2 3 4, 4 के बाद में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया आपके, यानी कि देखो मल्टीप्लिकेशन 3 टाइप से होती है डेसिमल में। पहली है जब डेसिमल को हम 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख, ठीक है, से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें केवल जो पॉइंट है उसको राइट में शिफ्ट करते हैं, जितनी आपके जीरो होगी उतने ही प्लेस के बाद। सेकंड होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर, जब होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हमने की है इसमें ऊपर से डेसिमल प्लेस गिन करके उतने ही प्लेस बाद जो है पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और थर्ड होती है जब डेसिमल को डेसिमल से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों डेसिमल नंबरों में जो डेसिमल प्लेस है उसमें से दोनों को काउंट कर लेंगे और उतने ही रिप्लेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3, 3 प्लेस यहाँ पे है और 1 प्लेस यहाँ पे है, तो 3+1 इनकी 4, 4 प्लेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में बेटा यहाँ तक आ चुका होगा। अब नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं, एक एक क्वेश्चन हम कराते हुए चलेंगे एक्सरसाइज में। सबसे पहले है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें 3.762 मल्टीप्लाई बाई 10, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ तक और इनमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि अभी पीछे समझाया, ठीक है। इनमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में पहला डेसिमल है और दूसरा हमारा कंप्लीट है, इनकी वोल नंबर है, ठीक है। तो अभी पीछे जो सीखा है उसी टाइप से इसमें मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, पहला भी डेसिमल है और दूसरा भी डेसिमल है, तो जैसे अभी आपको बताया 3 रूल, ठीक है, उन तीनों रूल को मल्टीप्लाई करके फॉलो करना है आपको और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। और फाइंड द प्रोडक्ट पांचवें क्वेश्चन में है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई कर करके उसकी मल्टीप्लाई 8.32 में करेंगे, ठीक है। पॉइंट को सबसे पहले छोड़ देंगे, पहले हम सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में प्लेस गिन करके डेसिमल प्लेस उतने प्लेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। पीछे आपके समझ में जो अभी बताया आपको इसके रूल समझाए वो आपके समझ में आ चुके होंगे, यदि नहीं आए तो दोबारा फिर देखिए वीडियो को स्टार्टिंग से, और ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल।